नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। यूपी के बदायूं में नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है और जिम्मेदार अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। गंदगी और जल भराव से जहां आम जनमानस जूझ रहा है, वहीं स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावक खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक और जहां सरकार स्वच्छ अभियान की अलख जगाकर स्वच्छ भारत का ढिंढोरा पीट रही है और जिसका प्रचार प्रसार संचार माध्यमों के जरिए जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है, वहीं ब्लॉक कादर चौक क्षेत्र के गांव पचोरी नंगला पोस्ट भूडा भद्रोल का मजरा इदराई में सरकारी मशीनरी की उदासीनता के चलते लोग आज भी नरकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। सीसी रोड पर पानी भरा होने के कारण लोगों को निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को कीचड़ युक्त दूषित पानी से गुजरकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। आपको बता दें कि गांव की इस दुर्लभ तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए जब हमारी टीम गांव पहुंची तो गांव के लोगों का दर्द यकायक जुबा पर आ गया। ग्रामीणों ने बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों को इसी दूषित पानी से ही होकर हर रोज गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे संक्रामक रोगों की चपेट में आकर बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान से जब हमारी टीम ने संपर्क साधने का प्रयास किया तो उसने पीडब्ल्यूडी की सड़क बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं ग्राम सचिव का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट। गांव की इस विभत्स समस्या के लिए जिम्मेदार लोग अब तक क्या करते रहे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। तो अब देखना यह है कि इस ओर ओहदेदारों का ध्यान कब जाता है और कब ग्रामीणों को इस नरकीय जीवन से निजात मिलेगी। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।